हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपने वॉल पेपर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने वॉल पेपर चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस, सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना होगा। गाइस, ऑन करने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस, होम स्क्रीन सॉरी थैम्स। तो हमें थैम्स पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कई सारे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको होम स्क्रीन लेआउट ये भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, हमें वॉल पेपर्स एंड स्टाइल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर माई वॉल पेपर्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे और वॉल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको लाइक हो, पसंद हो, जो भी आपको लगाना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से उस पर क्लिक करना होगा। और आप होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं तो होम स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं, लॉक स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं तो लॉक स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं। अगर गाइस आप लॉक एंड होम स्क्रीन दोनों पर लगाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो गाइस, हम अभी अपने फ़ोन में अपने होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें होम स्क्रीन पर क्लिक करना होगा। होम स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेट ऑन होम स्क्रीन, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने वॉल पेपर चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।